बुरहानपुर की बात करेंगे, जहां पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले नालों पर बनी मकान दुकान की जांच कर अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिससे बारिश आने पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, जिससे शहर में आवाजाही प्रभावित होती है। यही नहीं, स्कूली बच्चों और महिलाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते नगर निगम अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर यादव ने नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव से लिखित आवेदन देकर कहा कि इन अतिक्रमण की जांच कर इन्हें हटाया जाना चाहिए। वहीं अब नगर निगम कमिश्नर भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिन नालों पर अतिक्रमण है उन्हें हटाया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त कर जलभराव जैसी गंभीर समस्या से निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बुरहानपुर में जो भी दुकान नालों पर बनी है, वह कोई ऑफिस और शासकीय ऑफिस बने हुए, तो उनके लिए कमिश्नर साहब को निवेदन किया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका जांच कराया जाए। यदि कहीं ऐसी जर्जर है तो उसको तुलाए, तुरंत हटाने का काम करें कि हमारे नगर निगम कहीं इस प्रकार की बदनामी ना हो। और अधिकारी भी और साथ ही साथ कमिश्नर साहब के साथ में माननीय महापौर जी की भी संज्ञान में इस बात को लाऊंगा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस मामले में हम लोगों को जगाया और ध्यान दिलाया इसकी ओर। इसके लेके भी कमिश्नर साहब से मिलेंगे तो इसके लिए बिल्कुल कहेंगे और लेटर भी लिखेंगे। जो नाले पे बने हुए अनऑथराइज निर्माण हैं उनके सर्वेक्षण की प्रक्रिया हम लोगों ने आज से प्रारंभ कर दी है। हमारी इंजीनियरिंग की टीम डोर टू डोर या कहें वार्डों में जाके ऐसे सभी अवैध और बिना अनुमति हो रहे निर्माणों को चिन्हित कर रही है। साथ में इस तरह की संरचनाएं भी चिन्हित हो रही हैं जो किसी नाले या जल संरचना के ऊपर बनी हुई हैं, और उन पर जो भी बिल्डिंग परमिशन के जो कॉरपोरेशन एक्ट के प्रोविजन है उसके हिसाब से कर रही है।